था। इस महिला ने कोविड 19 के साथ साथ स्पाइन टीबी को भी हरा दिया और ये काम किया है स्पाइन क्लिनिक डॉक्टर विशाल कुन्नानी और डॉक्टर साईजोत राउत ने। आज हमारे देश चाहे जितना अपने सोच और दृष्टिकोण से आगे निकल गया हो, लेकिन समाज में कई ऐसे किस्से भी सुनने मिलते हैं जहां औरतों को या तो बंधन में रखा जाता है या उनसे उम्मीदें कम रहती है। कई दफा उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जो ऐसे सवालों का जवाब देना जानती है। इस महिला का नाम है अनीता तिवारी। 35 साल की अनीता मुंबई के एक छोटे इलाके की रहने वाली एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाली महिला है। हालांकि मई 2020 में जब कोरोना वायरस ने पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, तब अनीता को लोअर लिम्ब वीकनेस की परेशानी महसूस हुई, जिसके कारण अनीता अपने बिस्तर से ना उठ पाती थी ना चल सकती थी। अनीता जी के पति महिमा शंकर तिवारी अपनी बीवी के सारे रिपोर्ट और टेस्ट रिजल्ट लेके उनके क्लिनिक में आए। पेशेंट की तकलीफ को समझते हुए उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए उनसे उनकी तकलीफ के बारे में जानकारी ली और इस तरह से तकलीफ की तय तक जाने में सक्षम हुए। स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर साईजोत राउत ने हमारे चैनल को जानकारी देते हुए कहा कि पेशेंट के एमआरआई रिपोर्ट में स्पाइन के टीबी के लक्षण मिले। उन्होंने महिमा शंकर तिवारी को इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ये तकलीफ न उसके कॉम्प्रेशन के कारण होती है और हड्डियों के विघटन की वजह से पेशेंट को चलने या बिस्तर से उठने में तकलीफ महसूस होती है। परिवार की आर्थिक हैसियत ठीक न होने के कारण महिमा शंकर तिवारी की दुविधा साफ झलक रही थी और स्पाइन टीबी के ऑपरेशन के लिए आर्थिक स्थिति के कारण पति पत्नी दोनों ही शुरुआत से सहमत नहीं थे। भले ही दोनों के लिए पैसों का बंदोबस्त करना मुश्किल रहा, पर अपनी पत्नी को जल्द से जल्द ठीक करने और उसकी देखभाल करने के लिए महिमा शंकर तिवारी ने किसी तरह से सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम कर ही लिया। सब तैयारी हो चुकी थी, ऑपरेशन की तारीख तय हो गई और डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारी भी कर दी। बस एक चीज अभी बची थी, एक प्री ऑपरेटिव टेस्ट जो इस कोरोना वायरस के कारण जरूरी हो गई थी। और जब टेस्ट रिजल्ट डॉक्टर को मिली तब उन्हें पता चला कि अनीता जी को कोविड 19 पॉजिटिव है। शुरुआती दिनों में जब कोरोना वायरस का दहशत तेजी से फैलता जा रहा था, तब बीएमसी के अधिकारियों ने घर और बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन करना और लोगों को क्वारंटाइन में रखना शुरू कर दिया था। इस वजह से परिवार को जिसमें पहले से ही 7-8 सदस्य थे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अंत में ये तय किया गया क्योंकि पेशेंट को अपनी स्थिति के कारण क्वारंटाइन सेंटर में रखना उचित नहीं होगा, तो उनको होम क्वारंटाइन में रख के घर के बाकी सदस्यों को पेशेंट के कोरोना निगेटिव होने तक किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए। पर समस्या ये थी क्योंकि अनीता जी चल फिर नहीं सकती थी, तो ऐसे में उनकी दिन रात सामान्य और रोजमर्रा के कामों में कौन साथ रहे। तो उनके पति महिमा शंकर जी ने अनीता जी के साथ रहने का फैसला किया। अनीता जी दो लड़ाइयां एक साथ लड़ रही थी, ये जानते हुए कि उनकी स्थिति सामान्य नहीं है, उन्होंने हार नहीं मानी और डॉक्टर के कहने के अनुसार सारे मेडिकेशंस और देखभाल की। पर ऑपरेशन होने से पहले पेशेंट चाहती थी कि वो पहले कोरोना निगेटिव हो जाए। 14 दिनों बाद और एक टेस्ट हुआ, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला। फिर 17वें दिन जब उनका टेस्ट हुआ, वो कोरोना निगेटिव था। एक लड़ाई खत्म होने के बाद अब बारी थी दूसरी और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ने की। कोविड 19 से पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्होंने सर्जरी करने का फैसला किया। सारी फॉर्मेलिटीज और टेस्ट होने के बाद उन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डियों को डीकॉम्प्रेशन और बायोप्सी से ठीक किया। अगले ही दिन पेशेंट चलने लगी थी, उनको पहले एक वॉकर की मदद से चलना पड़ा, फिर 2-3 दिनों में वो पहले जैसी चलने लगी। डॉक्टर साईजोत राउत ने पेशेंट की रिकवरी के बारे में हमारे चैनल को बड़े गर्व से बताया। अनीता जी के हौसले और सहानुभूति और सहनशीलता के कारण उन्होंने इतना बड़ा फैसला खुद लिया और हम जैसे डॉक्टरों का हौसला भी बढ़ाया।
अनीता जी के इस हौसले से हम सबको सीखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए पर जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा डॉक्टर साई जोत राउत में अंत में बताया। अक्रॉस स्टेट मुंबई, डॉक्टर सुचिता पाटिल।